नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आचार संहिता के चलते सामाजिक न्याय परिसर में लगने वाला आवास मेला प्रशासन ने बंद कराया। इस मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम जोड़ने के कारण कार्यवाही की गई। नगर निगम द्वारा सामाजिक न्याय परिसर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मेला संचालित किया जा रहा था। इस योजना में LIG MIC श्रेणी सहित निर्धन गरीब वर्गों को निगम फ्लैट उपलब्ध करा रहा है, किंतु निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में आगामी माह में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में आचार संहिता लागू कर धारा 144 शहर में प्रभावशील कर दी है। कांग्रेस द्वारा इस आवास मेले को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने के कारण प्रशासन ने इस आवास मेले को बंद करने के निर्देश देते हुए बंद कराया। सार्थक नगर में रहने वाली महिला एक मनचले की हरकतों से परेशान है, जिसकी शिकायत महिला ने माधव नगर थाने में की है। इन दिनों उज्जैन शहर में घर के बाहर निकलते ही सड़कों पर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन महिलाओं पर कभी हमला तो कभी छेड़छाड़ का मामला आए दिन सामने आ रहा है। अब उज्जैन में बदमाशों और मनचलों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुला चैलेंज दे रहे हैं। जी हाँ, बुधवार शाम को एक मनचले की हरकतों से परेशान होकर एक महिला उसकी शिकायत करने थाने पहुंची। सार्थक नगर में रहने वाली महिला का कहना है कि पिछले कई दिनों से जितेंद्र भावसर नामक युवक सड़कों पर सरेआम उसके साथ छेड़छाड़ कर उसे परेशान करता है। जब महिला ने उसकी हरकतों से तंग आकर थाने में उसकी शिकायत की तो पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए मनचले युवक जितेंद्र भावसर को हिरासत में लिया। इधर कुछ दिनों बाद जितेंद्र भावसर जैसे ही पुलिस की हिरासत से छूटा, इसके बाद जितेंद्र भावसर ने एक बार फिर महिला को सड़क पर रोका और उसके साथ बदतमीजी करते हुए उसका हाथ पकड़ा और रिपोर्ट किए जाने से नाराज महिला पर एसिड फेंक दिए जाने की धमकी दी। उक्त महिला इसके बाद डरी सहमी सी अपने जहन में खौफ लिए जितेंद्र भावसर की शिकायत करने एक बार फिर थाने पहुंची और मनचले जितेंद्र भावसर से छुटकारा दिलाए जाने की गुहार लगाई। इधर महिला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जितेंद्र भावसर की हरकतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, अब वह मेरी बच्चियों के साथ भी छेड़छाड़ कर उन्हें परेशान कर रहा है। ये जितेंद्र भावसर रोज डेली परेशान करता है, मेरे क्लिनिक के चक्कर काटता है दिन भर शाम को 5-6 बजे, और मेरी बेटियों को परेशान करता है, हाथ पकड़ता है रास्ते में, छेड़छाड़ करता है। मैं उस दिन 29 तारीख को आ रही थी, मुझे भी हाथ पकड़ा रास्ते में, छेड़ा, मेरा आगे पीछे आया, तो फिर मैंने कंप्लेन वापस करी थी यहाँ पर। कितने समय हो गए इस तरीके से वो आपको परेशान कर रहा है? अभी 29 तारीख से चल रहा है अभी, और पहले मेरी बेटियों को कर चुका है, तो बेटियों ने सोचा चलो ठीक है हो जाएगा, पर नहीं हुआ कुछ भी। शहर में 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है, इसके साथ ही गरबों का रंग भी जमने लगा है। शहर में जगह जगह दुर्गा प्रतिमा स्थापित कर गरबों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार आचार संहिता का असर भी गरबों पर दिख रहा है। 9 दिवसीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत बुधवार से हो गई। इस बार भी शहर में जगह जगह दुर्गा प्रतिमा विराजित कर गरबे और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आचार संहिता का असर गरबे पर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, नवरात्रि का पहला दिन जल्द शुरू हुए गरबे, क्योंकि खत्म करने की समय की पाबंदी थी। आचार संहिता का असर 10 बजे डीजे साउंड बंद कराने पांडालों में पहुंची पुलिस और डीजे साउंड बंद कराने के दिए सख्त आदेश। जैसे ही 10:01 हुआ और मंच से एंकर ने कहा कि अब अंतिम प्रस्तुति होगी, इतना कहते ही जैसे ही पुलिस मंच की ओर आगे बढ़ी तो मंच से गरबा खत्म करने की घोषणा कर दी। हमारी यहाँ की कलाकारा है चाह रही है कि एक गरबा और हो जाए, एक गरबा और हो जाए, प्यार से धुन दे दे चलो। आ,
चलिए गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर सर, बाय। आज हमें यही समापन करना पड़ेगा। और मैदान में गरबों का आनंद ले रहे दर्शक पांडाल से घर की ओर जाने लगे। इधर दूसरी जगह 10:25 तक गरबे की रंगारंग प्रस्तुति का दौर लगातार जारी था। लाइट्स, इफेक्ट, डीजे साउंड की धुन पर शानदार गरबों को देखने के लिए यहां दर्शकों की कतार लगी हुई थी। अचानक डीजे साउंड हुआ बंद। जी हां, यहां भी पुलिस मौके पर पहुंची और डीजे साउंड को बंद करने के सख्त आदेश दिए। यहां पर गरबे आयोजक और युवतियों ने पुलिस से बातचीत की तो मौजूद सब इंस्पेक्टर ने उन्हें पूरी जानकारी देते हुए आचार संहिता के नियमों के पालन करने का सख्त निर्देश दिए। उज्जैन से विकास त्रिवेदी की रिपोर्ट। 10 बजे अगर थोड़ा लेट तो आते 10 मिनट 15 मिनट, चलो ठीक है, कल मैं कर लेता हूँ। ये तो खबर है ना हमारे लिए, न्यूज़ है कि हम जी आप मेरे पास आ। बताइए बताइए, आपको पता था कि 10 बजे डीजे बंद हो जाएगा, आप गरबे कर रहे थे, कितने साल से आप गरबे कर रहे हैं? हम 30 साल से गरबे कर रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी टाइम हो चुका है, छोटी बच्चियाँ भी गरबे करती है और हम काफ़ी दिनों से इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे थे। हाँ? चूँकि एकदम से ये नियम निकल गया है वो पुलिस वाले जानकारी में नहीं और आके उन्होंने एकदम से म्यूजिक वगैरह बंद। अच्छा, आपके जानकारी में था, आपको मालूम था कि 10 बजे डीजे बंद होगा, आचार संहिता लागू होगा? नहीं, इतना एकदम से कुछ नहीं पता था, हमने तो पूरी तैयारी आज ही पता चला, आज ही पता चला है। आपने कितने बजे से गरबे स्टार्ट किए थे? हमने एक्चुअली, हमारा 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है तो हम 11:30 तक 2 घंटे तक करते हैं, बट अभी आज ये हुआ कि सडनली पता चला तो हमारे 2-3 गाने भी कंटिन्यू नहीं हो पाए हैं और उन्होंने बंद कर दिया। मतलब अगर हमको करना है तो हमारे पास कुछ साउंड सिस्टम वगैरह सब बंद रहेगा तो हम कैसे? अच्छा, अभी आपको क्या बता के गए हैं बिना साउंड के कर सकते हैं आप गरबे? साउंड नहीं जानकारी, हाँ ऐसा बोल के गए, बट बिना साउंड के कैसे पॉसिबल है आप खुद ही सोचिए। आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब हम लोग चाहते हैं कि हमें कम से कम 3 घंटे का मिले, मतलब 11:30 तक तो एटलीस्ट हम लोग कर पाए। चलो ठीक है, ये तो प्रशासन के नियम है, इसमें तो फेरबदल होगा नहीं। तो कल से आप गरबे जल्दी शुरू करेंगे? चूंकि नियम है तो सरकार के नियम तो मानना पड़ेंगे, कानून का नियम है, बट हम चाहते हैं कि थोड़ा 11:30 तक तो एटलीस्ट हमको करने दें। मक्सी रोड पवासा निवासी डोरवाल परिवार के सदस्य माताजी पूजन के लिए जोधपुर जाते समय सड़क दुर्घटना के शिकार हुए। मक्सी रोड निवासी पवासा में रहने वाले डोरवाल परिवार के सदस्य राजस्थान के जोधपुर में माताजी पूजने जा रहे थे। परिवार सहित टवेरा वाहन पर सवार होकर जाते समय उन्हेल रोड पर गाड़ी के 2 टायर अचानक फट गए। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने के कारण गाड़ी ट्रक में घुस गई। मौका स्थल पर सीताबाई नामक युवती की मौत हो गई। इसी के साथ वाहन में सवार 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती किया गया। रामघाट पर स्नान करने आया श्रद्धालु स्नान के दौरान घाट पर अपना सामान भूल गया, पुलिस ने सामान जब्त कर श्रद्धालु तक पहुंचाया। रामघाट पर स्नान करने आया एक श्रद्धालु स्नान के दौरान घाट पर अपना सामान भूल गया, घाट पर तैनात पुलिस ने सामान जब्त कर संबंधित श्रद्धालु तक पहुंचाया। ग्वालियर निवासी केशव जाट शिप्रा में स्नान करने आया था, इस दौरान नहाते समय वह अपना मोबाइल और डायरी घाट पर छोड़कर चला गया। खबर मिलने पर घाट पर तैनात पुलिस जवानों ने सामान जब्त कर माइक से अनाउंसमेंट कराया। बाद में श्रद्धालु सामान ढूंढता हुआ घाट पर पहुंचा और पुलिस चौकी पहुंचकर सामान लिया। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।